नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ, कहा 2022 तक नई शिक्षा नीति देश भर में लागू हो जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में छात्रों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। छठ पूजा के लिए राजधानी लखनऊ का लक्ष्मण मेला स्थल तैयार, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से पिछले 36 वर्षों से यहां होता आ रहा है महावर्ष छठ का आयोजन। आगामी चुनाव को लेके बसपा में होंगे बदलाव, बसपा की राष्ट्र अध्यक्ष मायावती ने सेक्टर और मंडल स्तर पर व्यापक बदलाव कर दिए संकेत। आजमगढ़ जिले में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं में पंडाल समितियों के सदस्यों में उत्साह का माहौल। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की सुविधा, सिविल अस्पताल में मरीजों के नमूने लेकर जांच को भेजे जाएंगे, इसके लिए मरीजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। वाराणसी में कोविड 19 के दूसरे दौर पर रेलवे ने कसी लगाम, कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएमओ ने नई दिल्ली से आने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट अनिवार्य किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षक भर्ती के तहत शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी पूरी करने की निर्देश दिए। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष बाल कृष्ण नायक का कुशीनगर में निधन, बीते दिनों उन्होंने कुशीनगर में देह त्याग कर भगवान बुद्ध के दर्शन की जताई अंतिम इच्छा थी। यूपी में अचानक बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 2390 नए कोरोना मरीज मिले, 30 संक्रमित मरीजों ने तोड़ा दम। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।